Hello guys, you are watching Seva Learning. So I think you all know that the deemed university round 2 result and All India quota 15% round 2 result is awaited till now. Abhi tak unka result nahi aaya. First from the Madras High Court and second from the Maharashtra High Court. But don't worry, your result is going to come across July 27 to July 31st. बट वो तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी तक क्या है कि जो भी स्टेट काउंसलिंग है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, मतलब स्टेट काउंसलिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। स्टेट काउंसलिंग अपनी चल रही है और वो ऑल इंडिया का जो 15% और डीम्ड है उनकी काउंसलिंग अलग थी, लेकिन अभी एक ऐसा स्टेट सामने आया है जो कि उनको इफेक्ट कर दिया। ठीक है, ये स्टेट है आपका त्रिपुरा और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सेकेंड राउंड को सस्पेंड कर दिया गया। सेकेंड राउंड यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, इसका मतलब कि स्टेट काउंसलिंग इफेक्ट हो गई, ऑल इंडिया की जो रिजल्ट रुकी हुई है इससे भी स्टेट काउंसलिंग ने यहाँ पे इफेक्ट कर दिया। और बाकी अभी ऐसा कोई अदर स्टेट नहीं है जिनको वो इफेक्ट किया है। ठीक है, तो इसका एक नोटिस भी है, आप देख सकते हैं। सी, दिस इज फ्रॉम अगस्त अला गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ओके, educational notification, it is for information to all concerned of the first round of the counseling for MBBS and BDS course for academic sessions 2018 and 19 that the second round of online counseling of the state is suspended till the completion of the second round of All India quota. अब देखिए यहाँ पे इसको रोक दिया गया है, कह दिया गया है कि जब तक क्या है सेकेंड राउंड वो खत्म नहीं हो जाता है वहां का, तब तक यहाँ पे सेकेंड राउंड यहाँ भी नहीं होगा। तो बाकी और कोई स्टेट नहीं है, दिस इज द वनली स्टेट विच गॉट अफेक्टेड फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा। ओके, सो डोंट वरी अदर पीपल, डोंट वरी, इट्स द प्रॉब्लम फॉर ओनली फॉर त्रिपुरा एंड द पीपल हु अप्लाइड इन त्रिपुरा फॉर द प्राइवेट सीट। सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग।